आज स्वाति मालीवाल केस की करते हैं बड़ी खबर। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप विभव कुमार पर लगाया था। अरविंद केजरीवाल के पीए को हिरासत में लिया गया है। विभव कुमार को सिविल लाइन थाने लेकर पुलिस गई है। ये तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज 18 दिखा रहा है। रेड एरो में आप देखिए विभव कुमार को आप गाड़ी में देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर विभव कुमार केजरीवाल के पीए जिन पर मारपीट का आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया था उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आपके सामने है। इसी कार में विभव कुमार है और अब खबर यह है कि सिविल लाइन थाने में पुलिस लेकर गई है जहां पर पूछताछ की जाएगी विभव कुमार से। और आपको बता दें कि दो वीडियो भी सामने आ चुके हैं। एक वीडियो सामने आया था जिसमें विभव कुमार और स्वाति मालीवाल की बहस देखने को मिल रही थी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि दो जगह चोट के निशान मिले हैं, गाल पर और पैर पर चोट के निशान मिले हैं और ऐसे में मुश्किलें अब विभव कुमार की बढ़ सकती है। और इसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर के आधार पर शिकायत के आधार पर विभव कुमार को अब दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जनाब जिस दिन वो यहाँ आई थी रिपोर्ट लिखाने यहाँ क्यों नहीं लिखवाई, एफआईआर क्यों नहीं कराई, फटे हुए कपड़े क्यों नहीं दिखाए, तीन दिन बाद क्यों दिखा रहे हैं जी। तो अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? कोई एक्शन है ही नहीं, किस बात का एक्शन लेगी पार्टी? गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे आप? ये गिरफ्तारी गलत हुई है। आप मिलने के लिए आए? मिलने के लिए आए हैं। हम मिलने के लिए आए हैं। अब नहीं मिलने देते जाएंगे वापस। भैया मिलने से तो हर आदमी का हक है, किसको मिल जाए? कोई आदमी भी आए उसको मिलने का हक है। उसके अब हम लोग कोशिश करते हैं। नहीं नहीं सर, मेरा इलाका है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे किसी को अरेस्ट हुए तो उसको ले आता हूं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल गलत है, निराधार है। जो डीसी फुटेज है मैं देख के पूरी बात बताता हूँ। मिलने आया आम आदमी पार्टी विभव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी सर? हम लोग बिल्कुल जो ऐसे ऊपर वाले आदेश करेंगे उस तरह करेंगे। रोड पर क्या कहेंगे? एमएलसी के जो निशान है, एमएलसी के जो निशान है, एमएलसी गलत भी हो सकती है, क्या दिक्कत है? आप पहले दिन क्यों नहीं एमएलसी हुई? आगे का क्या प्रक्रिया रहेगी ये बताइए। तीन दिन के बाद एमएलसी थोड़ा होती है। सानी साहब जो स्वाति ने आरोप लगाए कितने सही मान? तो केजरीवाल के पीए विभव कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शंकर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, लगातार सियासत बार परत बार, लेकिन इन सबके बीच में बहुत बड़ी खबर, विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आपको ऑडियो मिल रहा है शंकर? आपसे जानना चाहेंगे, विभव कुमार को पहले हिरासत में लिया गया था, अब उनकी गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है, किस थाने में इस वक्त मौजूद है वो? देखिए निश्चित तौर पे इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है, जिस तरह से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और इस मामले में शिकायत दर्ज करवाने के बाद इस मामले पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कंप्लेंट और बाद में एफआईआर भी रजिस्टर्ड किया गया और एफआईआर नहीं मिली है। उसके लिए एप्लीकेशन लगाई, वो 4 बजे ऑर्डर रिजर्व है, लेकिन अभी पता चला बिना किसी नोटिस के, 41A का नोटिस मैंडेटरी होता है, वो नोटिस सर्व बिना किए विभव कुमार जी को पुलिस लेकर आई है। अब हम अंदर जाके जानना चाहते हैं कि वो सिर्फ इंक्वायरी के लिए लेकर आए हैं या उनको अरेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अंदर जाना चाहते थे लेकिन अंदर जाने से रोका जा रहा है, जो कि कानूनन बिल्कुल गलत है। देखिए सूत्रों पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, इसीलिए हम लोग अंदर जाके पुलिस से जानना चाहते हैं कि आपने अरेस्ट किया है तो बगैर नोटिस कैसे अरेस्ट किया है, और हम लोगों को अप्रिहेंशन है कि पुलिस दबाव में कोई गलत स्टेप ना ले। जितने भी सेक्शंस उसमें 41A का नोटिस मैंडेटरी है। इसके अलावा क्या क्रॉस एफआईआर भी करेंगे?
फाइल किया गया। सर कितनी देर से लीगल लीगल रिकॉर्ड्स जितने भी हैं विवेक कुमार जी के पक्ष के विपक्ष के वो सब अवेल करेंगे। सर कितनी देर से आप लोग बाहर खड़े हुए हैं? विवेक कुमार की लीगल टीम को आप सुन रहे थे। शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, चूंकि अभी हम लीगल टीम को भी सुन रहे थे विवेक कुमार की, उनका कहना है कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम थाने के अंदर जाकर समझेंगे कि आखिरकार किस आधार पर, क्या वो बेस रहा जिसके आधार पर विवेक कुमार की गिरफ्तारी हुई। मुझे बताइए दिल्ली पुलिस किस थाने में लेकर गए गए विवेक कुमार को? देखिए विभव कुमार की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अब इस मामले में उनसे विस्तार से कई महत्वपूर्ण सवाल जवाब किए जाएंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जब वो आई थी, स्वाति मालीवाल जब मुख्यमंत्री आवास में आई थी तो किस तरह से उनसे बातचीत हुई, किस तरह से उस मौके पे जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जो पुलिस के जवान थे बाकायदा उनके साथ क्या बात। नजर बनाए रखिएगा फिलहाल के लिए बहुत।